हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉली टिपोर। आज आम डीएससी टू रोटे चैप्टर पढ़ा जोटा हूँ योजना आयोग इंग्लिश रे कहते प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया। यहाँ गोटे इंस्टीट्यूशन थिला, गोटे अनुष्ठान थिला, एबे आउ सेटा नाही। ता प्रतिबदल रे वर्तमान नीति आयोग चली, जे कि बहुत सारा पॉलिसी जहाँ कि आम कहे लोकनीति, बहुत सारा लोकनीति बनाऊंट, बहुत किसी प्लानिंग करमती आमर अर्थनीति सुदृढ़ हो। ठीक अच्छे, तो स्वाधीनता परवर्त समय रे पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग स्थापना करते 1950 मसीह। ठीक अच्छे, जितने स्वाधीनता हो गला आम अवस्था बहुत खराब थी, आम अर्थनैतिक अवस्था, तो ताकू सुदृढ़ करने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आनवाई आमर फर्स्ट जी थे प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, से कौन कले ना योजना आयोग स्थापना कले 1950 मसीह। यार गठनर मुख्य उद्देश्य थिला अर्थनैतिक नीतिर निर्माण और जनमंगल राष्ट्र निर्माण। तो मेन उद्देश्य यार थिला कि केमती आम देशर अर्थनीति सुदृढ़ हो, आम देश बहुत धनी हो जाऊ एवं जनता मानक मंगल कार्य सब कर अर्थनीतिक उन्नति करिबा। ओ अति परिचित पंचवार्षिक योजनार गठन करथिला योजना आयोग। तो ये आयोग टी बा अनुष्ठान टी कौन करथिला, एक रे त हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट माई बहुत सारा प्लानिंग करथिला, ता सहित आमर जो 5 ईयर प्लान आपण मैं सब शुणिथे पंचवार्षिक योजना, जहाद्वारा कि भारतर अर्थनीति बहुत आगे जाइए तार प्लानिंग करें योजना आयोग। योजना आयोग 1950 मसीह जनवरी 15 तारीख से स्थापित होता एवं यार मुख्य कार्यालय कौटी आम देशर राजधानी नुआ दिल्ली में। 2014 मसीह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यार विघटन कले एवं नीति आयोग निर्माण करार घोषणा करते। तो 2014 मसीह जितेबले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हेले सेते बड़े से कौन कहले कि जो प्लानिंग कमिशन बा योजना आयोग अच्छी ताकू वर्तमान विघटन अर्थात ताकू क्लोज कर दिया प्रतिबदल स्थापना कले नीति आयोग। तो वर्तमान आम भारतर गोटे बहुत इम्पोर्टेंट अनुष्ठान होची नीति आयोग, एवं आगुरु ता प्रतिबदल कौन थिला प्लानिंग कमिशन बा योजना आयोग। यह एक अणसांविधानिक अनुष्ठान थिला, अर्थात संविधान रे मेंशन ही नथला बट एटा गोटे अणसांविधानिक अनुष्ठान थिला। नीति आयोग को 2015 मसीह जनवरी 1 तारीख से निर्माण कर आयोग स्थान प्रतिबदल कर नीति आयोग गठन करोटा मैंने पढ़ले। मुख्य उद्देश्य गुड़िका अर्थनैतिक उन्नति करवा, जीवन धारण मानरे उन्नति करवा, अर्थात आम कमी खाऊे कौटी बसुचे केमती घर रोचे यहाँ हूँ आम जीवन धारण मान कौन पिंधुचे। फॉर एग्जांपल जदि जन भल ड्रेस पिंधुचे, भल खाइबा खाऊ, बुली जाऊँ, भल घर रोचे, आम धरी ना कि जीवन धारण मान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टा बहुत हाई अच्छी भल अच्छी, किंतु जदि जनकर घर नाई, पिंधापी भल पोशाक ना, कि भल खाई ना सफिसीयंट खाई ना दिन में, ताहले आमे जानिबा जे तांको जीवन धारण मानटा बहुत कम। ठीक अच्छे, तो प्रत्येक व्यक्तिर जीवन धारण मानरे उन्नति आणिबा थिला यार लक्ष्य। रोजगार वृद्धि करिबा, भित्तिभूमि सुदृढ़ करिबा, मु भूमिटा छाड़ी देइछि, भित्तिभूमि अर्थात इनफ्रास्ट्रक्चर अर्थात ब्रिज, रोड, बिल्डिंग एगुड़ा होछि आमर सब भित्तिभूमि, तो ताको केमती सुदृढ़ करा, भल करा, सामाजिक कल्याण करिबा एवं लोकमानको सेवा प्रदान करिबा, सेवा कर चिकित्सा देबा, शिक्षा प्रदान करिबा, जेमते समस्ते शिक्षा पाइबे, समस्ते स्वास्थ्य भल रहइबो, सेतै समस्तक भल ट्रीटमेंट दरकार, परिवेश सफा रखिबा, एगुड़ा सामाजिक कल्याण कार्य। असमानता दूर करिबा अर्थात आम देश में लोक अच्छा जो मैंने बहुत धनी अच्छा लोक अच्छा जो मैंने पूरा गरीब अच्छा, तो केमती गैपटा को कम करमती अधिकांश लोक भलर जीवनटा व्यतीत करेंगे, से ये बहुत सारा स्कीम आने, बहुत सारा लोकनीति आने, बहुत प्लानिंग भी कै। ठीक अच्छे, एवं आम आसवा पंचवार्षिक योजना सब। पंचवार्षिक योजना सब एग्जाम आसे, फॉर एग्जांपल प्रथम पंचवार्षिक योजना आलोचना कर, द्वितीयटा आलोचना कर, तो मु किछटा ओवरव्यू देदेवी, तापर तुम भलसे लिखो जिते बड़े पंचवार्षिक योजना आसो लिखिदेव कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू आम प्रथम प्रधानमंत्री थे एवं से योजना आयोग स्थापना करते, से योजना आयोग ही पंचवार्षिक योजना गुड़िकारी तार गोटे मूल लक्ष्य थाए। 5 वर्ष जो योजना हुए पंचवार्षिक योजना कहुए, यार मूल लक्ष्य थी अर्थनैतिक उन्नति, एमती सब पॉइंट लिखिदेव, तापर से प्रथम पचारे कि द्वितीय पंचवार्षिक योजना पचारे से गुड़ा लिख। प्रथम पंचवार्षिक योजना जोटा स्टार्ट होता 1951 मसीह सरी 1956 मसीह है, यह प्रथम पंचवार्षिक योजना एवं यही समय रे प्रधानमंत्री थिले डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। यार मूल लक्ष्य थिला कृषि क्षेत्र रे उन्नति आणवा, तो प्रथम पंचवार्षिक योजनार मूल लक्ष्य कौन थिला, कृषि क्षेत्र को केमती भल कि डेवलप करा जीवा, कारण
आम भारत मेरुदंड हूँ कृषि। यही क्षेत्र में केमी भल उन्नति आना जापर सब कृषक मैंने किपर भल फायदा पाइबे जो थे कि आम भारत भी बहुत फायदा अच्छी तो या पर ही प्रथम फोकस करागला यहाँ हारोड डोमार मॉडल कह गला बा एही जो पंचवार्षिक योजना रे हारोड डोमार मॉडल टी काम कला एही मॉडल अनुसार ही सब कार्य करा गला एहा 18.4% सफल होइतिला अर्थात या किछि मात्रा रे सफल हेला पूरा 100% सफल न हेले भी 18% ये सक्सेस होइतिला। ठीक अछि द्वितीय पंचवार्षिक योजना आरंभ हेला 1956 रे एवं सरिला 1961 मसीहा रे। यार मूल लक्ष्य कौन थी शिल्प क्षेत्र में किपर उन्नति अर्थात इंडस्ट्री क्षेत्र में केमती भल उन्नति आसो जमीक आम भारत इकोनोमी स्ट्रंग हम ए महाल नोबिक मॉडल अनुजाई कार्य समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तृतीय पंचवार्षिक योजना 1961 मसीह स्टार्ट होगा सरला 1966 मसीह एथिरे गार्डगिल फॉर्मूला प्रयोग करागला अर्थात यही फॉर्मूला अनुजाई कार्य करागला पंचवार्षिक योजना 1964 मसीह डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को परे आसिले श्रीमती इंदिरा गांधी देशर प्रधानमंत्री हेले। यार मूल लक्ष्य कौन थी शिल्प क्षेत्र में उन्नति करिबा ता सहित आत्मनिर्भर हेबा अर्थात आम देशर लोक मानंकु जहाँ जहाँ जिनस दरकार से गुडा सब आम देशर ही मिलो आम देश लोक मानंकु जेमति अन्य देश उपरे कोनोसी भी जिनस पय डिपेंड करियाकु न पडु। फॉर एग्जांपल जदि आमर गोटे मेडिसिन दरकार हुए जदि आम अनिथिबा कि अमेरिका प्रोड्यूस करके देले आम से मेडिसिन खाइबा ताले आम तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करवा तो यही टाइम चेष्टा करागला कि देश लोक मानकर जहाँ भी आवश्यकता अच्छी ताहा आम देश में ही कम्प्लीट हो आम क्या जमीन निर्भर न करवा गट इट। समय चीन और पाकिस्तान सहित युद्ध चली भारत अर्थात चीन और पाकिस्तान भितर युद्ध नाला भारत चीन सहित युद्ध चलता और भारत पाकिस्तान सहित युद्ध चलता तो जेहेतु दुईटा देश सहित और दुईटा जगह आम पड़ोसी राष्ट्र तो दु जन सहित जो युद्ध चली तो से समय आम स्थित बहुत संगीन था बहुत खराब था एवं समय सबुठ फेमस आम जो ग्रीन रेवल्यूशन आसाला अर्थात सबुज विप्लव जो थे कि कृषि क्षेत्र में बेसी फोकस करागला बहुत सारा स्टेप निगला केमती आम शस्य क्षेत्र को सब सुरक्षा दिजिव बहुत सारा उत्पादन हम लोग कृषक मान बहुत फायदा हम यहाँ थी सबुज विप्लव। तृतीय सरला तो तृतीय पंचवार्षिक योजना पर तीनोटी वार्षिक योजना आसला यहीटा को चतुर्थ पंचवार्षिक योजना बोली धरी नबनी। ठीक अच्छे यहाँ हूँ तीन टा वार्षिक योजना अर्थात ये पूर्व जो आम पढ़ी सबूला पांच वर्षिया प्लानिंग जहाँ प्लानिंग होता पूरा पांच वर्ष को देखिकी किंतु या परे सब वर्षिकिया प्लानिंग करागला तीन टा 66 रु 67 67 रु 68 68 रु 69 तो तीन टा वर्षिकिया प्लानिंग करागला एवं ये वर्षिकिया प्लानिंग रे फोकस करागला कि जो गुड़ा सब स्थिति संगीन होती युद्ध समय जो लॉस होती से गुड़ाक केमती सब भरपाई करमती ठीक अवस्था को अणाजी है। तापर आसला चतुर्थ पंचवार्षिक योजना जोटा कि 1969 मसीह चलला 1974 मसीह पर्यंत यही समय प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। यार मूल लक्ष्य था उन्नति सह स्थिरता अर्थात जो सब डिस्प्यूट चली जो सब कली झगड़ा चली राष्ट्र भितर बहुत समस्या चलता से ही सब केमती स्थिर कर सब सल्यूसन अणाजी और ता सहित केमती उन्नति शिल्प क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में सब क्षेत्र में। ठीक अच्छे स्माइलिंग बुद्ध नामक एक परमाणु अस्त्र परीक्षा करागला यही पंचवार्षिक योजना समय एवं यही समय मोट 14 बैंक को जातीयकरण करागला अर्थात नेशनलाइज करागला। ठीक अच्छे जातीयकरण करागला 14 बैंक को तथापि यहाँ विफल बोली ग्रहण कराए कारण यहाँ बहुत मात्रा रे सक्सेस हो ना लोक मैंने बहुत प्रॉब्लम से टाइम फेस करुले देशर अर्थनीति एत सुदृढ़ हो पार ना तेणुक यहाँ विफल बोली धरागला। तापर आसला पंचम पंचवार्षिक योजना जोटा स्टार्ट होता 1974 एवं सरला 1978 मसीह यार मूल लक्ष्य कौन थिला गरीब और दारिद्र दूरीकरण और स्थिति रे उन्नति देश में बहुत दारिद्र थिला कलाहांडी जिले में लोक मैंने खाइबाक भी पा न बहुत कष्ट थे अपपुष्टि रोग शिकार होते तो से ही टाइम रे श्रीमती इंदिरा गांधी निष्पत्ति ने किमी दारिद्र को पूरा दूर कर दिजिव एवं स्थिति केमती उन्नति अणाजी तो यही पंचम पंचवार्षिक योजन खाली पॉवर्टी इराडिकेशन दारिद्र दूरीकरण विषय ही काम करागला। एमएनपी कार्यकारी है अर्थात सर्वनिम्न आवश्यकता प्रोग्राम यही समय श्रीमती इंदिरा गांधी पर श्री मोरारजी देसाई हेले देशर प्रधानमंत्री ये लाइनटा टी गड़बड़ है तो टी सीधे लिखिदेव आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यह एक सफल योजना बोली माने जाए था रोलिंग योजना अर्थात यहाँ हूँ गोटे वार्षिक योजना एवं वार्षिक योजना करने सहित
यहाँ भविष्यत पाई मध्य योजना करथाय। फॉर एग्जांपल जदि आमे एई गोटे वर्ष रे जहाँ जहाँ प्लानिंग करछु जदि इथरे आमे सक्सेस होई गले ताहले आमे आगामी वर्ष गुडा करे एई सब कार्य करि जहाँ द्वारा आमर अर्थनीतिक उन्नति घटिबो एवं देशर उन्नति हेबो। तो दुईटे रोलिंग योजना हेतला, गोटे हेतला 1978 रु 79 आ गोटे 79 रु 80। एहाकु जनता पार्टी एवं कांग्रेस उभय खारज करथिले। तो एहाकु सेमाने खारज करथिले बा नापसंद करथिले। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক যোজনা যেটা স্টার্ট হল 1980 এবং সরিলা 1985। এই সময় নাবার্ডর স্থাপন করা গলা। নাবার্ড কোন না উন্নতি নিমন্তে হইতে বা এক ব্যাংক যার ফুল ফর্ম থিলা ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট। এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট পাই এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট পাই, কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতি পাই এবং গাঁ মানকের উন্নতি পাই, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পাই পরিবার যোজনা মধ্যে আরম্ভ হইতিলা। তো জনসংখ্যা যেতবে বড়ি যায় দেশে বহুত প্রবলেম হুয়ে। ফর এক্সাম্পল খাইবার সর্টেজ হুয়ে, গছ বহুত কটা হুয়ে, কারণ লোক মানে রহবে জিনিস ইউজ করবে তো সেপাই বহুত গছ কটা হুয়ে, বেকারী সমস্যা বৃদ্ধি পায়। তো বহু সারা সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাই হেউতিলা। তো সেই টাইমে চেষ্টা করা গলা কিমতি ইয়াকু নিয়ন্ত্রণ করা যিব, সেইপাই পরিবার যোজনা আরম্ভ হেলা। নেহেরুঙ্গ সমাজবাদী নীতির অন্ত ঘটিলা এই ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক যোজনার। সমাজবাদী ব্যবস্থা কোণ অর্থাৎ রাষ্ট্র পাখে বহু সারা কন্ট্রোল রহব সম্পত্তির এবং লোক মানুষ সমস্ত উন্নতিপ্রাই সে কার্য করব। অর্থনীতির উদারভাব গ্রহণ করা গলা। উদারভাব কোণ পুঁজিবাদর এন্ট্রি হেলা এটি, অর্থাৎ যে বিজনেস করা চাহিদা সে বিজনেস করি আরামসে আগুকু বড়ত তাঁকু কে অটকাইবে না। সফল হয়েছিল তো এই যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক যোজনা লা ইয়ে মধ্যে সফল হয়েছিল। সপ্তম 1985-90 এই সময়ের প্রধানমন্ত্রী লে শ্রী রাজীব গান্ধী। এর মূল লক্ষ্য লা খাদ্য সমস্ত যোগাই দেওয়া, সমস্ত কার্য যোগাই দেওয়া, উৎপাদক দেওয়া, প্রডক্টিভিটি আমার দেশের যে শস্য ক্ষেত্র হোউ বা যেকোন জিনিস হোক, মেডিসিন হোক, খাইবা হোক, সব জিনিস কেমতি আমার দেশের হি প্রডক্ট বাহারিব, আম দেশের হি সব উৎপাদন হব, আত্মনির্ভর অর্থাৎ আমার দেশ লোক মানুষের যা বি আবশ্যকতা আছে সব আমার দেশের হি তা কমপ্লিট হব, আমি কাহপরে ডিপেন্ড করা না, আমি নিজে নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া, এমধ্য সফল হয়েছিল। তাপরে আসা দুইটি বার্ষিক যোজনা। অর্থনীতির অস্থিরতা লা সেই সময়ের, তেণুকরি বার্ষিক যোজনা দুইটি করা গলা 90-91 এবং 91-92। এই টাইম্রে প্রধানমন্ত্রী লে শ্রী নরসিং রাও এবং এই সময়ের গোটে ঐতিহাসিক নিষ্পতি নিয়া যাইথিলা প্রধানমন্ত্রী দ্বারা এবং সেই সময়ের অর্থমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং দ্বারা। সেই নিষ্পতিটি কোণ লা না এলপিজি র আগমন হেলা বা এন্ট্রি হেলা আমার অর্থনীতির। আসিলা নূতন অর্থনৈতিক নীতি 1991। মু অলরেডি পূর্ববর্ষে এ উপরে পড়াইছি, সেই টাইমে কোণ হয়েছিল না এলপিজি, এল ফর লিবরালাইজেসন, পি ফর প্রাইভেটাইজেসন এন্ড জি ফর গ্লোবালাইজেসন। ওড়িয়ার উদারীকরণ, ঘরোইকরণ, জগতিকরণ। উদারীকরণের কোণ লা না অর্থনীতির কোহল করাগলা, বেশি রেস্ট্রিকশন রখাগলানি, যেতবে অধিকাংশ রুল উঠাই দিয়াগলা, টিকি কোহল করে দিয়াগলা, হালকা করে দিয়াগলা। তো বহুত লোক বিজনেস করা আগেই আসলে। তাপরে ঘরোইকরণ অর্থাৎ লোক মানে নিজের প্রাইভেটরে হসপিটাল খোলি পারিবে, প্রাইভেটলি গোটে শপিং মল খোলি পারিবে, বহু জিনিস খোলি পারিবে, ফ্যাক্টরি খোলি পারিবে। তাপরে আসিলা জগতিকরণ অর্থাৎ আমার দেশের অর্থনীতি পুরা জগতর অর্থনীতি সহ যোড়ি হয়ে গলা। বাহার লোক মানে আসলে এটি চাকরি কলে, আমি গলে বাহার দেশের চাকরি কলে, বাহার ইনভেস্টর মানে আসলে আমার দেশের ইনভেস্ট কলে, কোম্পানি খোলিলে। এই টাইমে গোটে বহুত বড় চেঞ্জ আসিলা অর্থনীতির এবং বহুত ফাইদা মধ্যে হয়েছিল, ঠিক আছে। তাপরে আসিলা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক যোজনা যেটা লা 92-97 মসিহা। এই টাইমে শিল্পরে আধুনিককরণ করা গলা, অর্থাৎ এই টাইমে কোণ করা গলা না যে শিল্পরে লোক মানে কাম করুলে সেই টাইমে সব যন্ত্রপাতির আগমন হেলা, অর্থাৎ আগরু লোক মানে যেটা হাতরে বাড়াইকি করতে সেটা মেসিন বাড়াইকি কলা। তো এমতি আধুনিককরণ হেলা। ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনর সদস্যতা গ্রহণ কলা, বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেসন। ফলরে অন্য মানুষ সহ যেতবে আমি বিজনেস করা অন্য দেশ মানুষ সহ, তো আমি টিকি সেটা সাহায্য কলা বহু, ঠিক আছে। কেবে গ্রহণ কলা 1995 মসিহার প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনার আরম্ভ হেলা, যা ফলরে বহুত লোক মানুষ রোজগার মিলিলা এবং পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থার আরম্ভ হেলা, যেটা কি গণতন্ত্রকে বহুত সুদৃঢ় কলা। তাপরে আসিলা নবম পঞ্চবার্ষিক যোজনা যেটা লা 1997-2002 পর্যন্ত। ভারত স্বাধীনতাকে 50 বর্ষ পুরী গলা। প্রধানমন্ত্রী লে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি। মূল লক্ষ্য লা দারিদ্রর সম্পূর্ণ দূরীকরণ, অর্থাৎ বিলকুল দেশের দারিদ্র হি রহবনি, পুরা দারিদ্রক হটাই দিয়া এবং লোক স্থিতির উন্নতি আনা যাব। সেই টাইমে বিফল হয়েছিল।
तापर आसला दशम पंचवार्षिक योजना 2002-2007 एहार मूल लक्ष्य थिला रोजगार वृद्धि करिबा 8 कोटी लोक मानक रोजगार देबार योजना ही टाइम रे होइथिला किंतु एहा विफल हेला सफल होइ पारिला नाही। तापर आसला एकादश पंचवार्षिक योजना 2007-2012 मूल लक्ष्य थिला परिवेश रे स्थिरता आणिबा कारण परिवेश थिले ही आमे अछे जदि आम पृथ्वी नाही त आमे भी नाही। सेइतिपई जेहेतु परदिना दिवाली त म समस्तक हैप्पी दिवाली विश करछि एवं ता सहित गोटे छोट रिक्वेस्ट मो तरफ रु रहइबो कि बाण जदि आमे न फुटेबा ताले बेटर रहइबो क बाइना आमे न्यूज रे पढुछे कि दिल्ली रे एते पॉल्यूशन हेलाणी राजस्थान रे हेलाणी पंजाब रे हेलाणी त आमे मध्य बेसी दूर रे नाही। ठीक अछि ना जदि आमे एबेठु जाग्रत न होबा त होइ त आमर भी परिस्थिति सेमती खराब हे जइबो एवं लोकमानकर आयुष 10 वर्ष 5 वर्ष कमी जइ जे पॉल्यूशन पई तो एटा गोटे छोटो मैटर नुह एटा बहुत बड़ मैटर तो आम टे सीरीयस परिवेश रे स्थिरता आणिबा स्वच्छ जलर वितरण तथा जल को प्रदूषण मुक्त करिबा स्वच्छ जल लोक माने से टाइम रे पाउ नथिले बहुत हैरान होउथिले एवं जल होची आमर सबटु मेन जिंस आम रोसे करे खाए पी सबुथरे आमर जल आसुची तो सेई टाइम रे जल प्रदूषण बहुत बढ़ी जाइथिला तो ताको केमती कंट्रोल करा जइबो परिवेश केमती सुस्थ रहइबो सेई टाइम रे बेसी ध्यान दिया गला। उच्च शिक्षा रे छात्र छात्रींकर वृद्धि होइला अर्थात बहुत सारा लोक माने उच्च शिक्षा पढ़िले बहुत स्टूडेंट माने पढ़िले आगुरी संख्या कम थिला ए टाइम रे बढ़िला। शिक्षागत अधिकार 2010 बा राइट टू एजुकेशन 2010 आसिला जहाद्वारा समस्तिंकु समस्त शिक्षा ग्रहण करिबा बाध्यतामूलक होइगला। षष्ठ रु दशम कंप्यूटर शिक्षा दिगला यह पंचवार्षिक योजना टी विफल होता सफल हो पार नापर आसला द्वादश पंचवार्षिक योजना और यहाँ हूँ लास्ट पंचवार्षिक योजना 2012-2017 यार मूल लक्ष्य था जल्दी जल्दी बड़ बड़ एवं स्थिर उन्नति आने अर्थात टी जल्दी ट्राए करवा केमती उन्नति हो बड़ बड़ उन्नति केमती हो स्थिर अर्थात आम परेश जगवा उन्नति करवा। ठीक अच्छे परिवेश उन्नति मध्य संपर्क कौन आम रोड आम चाहूचे कि रोड हो जाऊ समस्त लोक मैंने जावास सुविधा हो डेफिनेटली सेटा भल कथा किंतु आम जो ता बदल गच्छ काटिदे जिते रोड बनवा से गच्छ कटा जा तो के प्रोब्लेम हम तो से चेष्टा करमती अगर जगार जो गच्छ आम गोटे काटिले बदल जब 100 गच्छ लगे गच्छ बदल तेल बहुत हेल्प हम। ठीक अच्छे समग्र भारत को विद्युत जोगाण करागला 2017 यार समय अवधि संपूर्ण होगा यहाँ थी आमर लास्ट पंचवार्षिक योजना। ठीक अच्छे एवं डाउट मन में आसो कि 2015 तो नीति आयोग आसला तो यहाँ पुणी केमती कंटिन्यू है जेहेतु यहाँ लास्ट पंचवार्षिक योजना था तो ये पूरा तार समय अवधि कम्प्लीट कला 2015 नीति आयोग आसीगला द्वादश पंचवार्षिक योजना था शेष पंचवार्षिक योजना। ठीक है थैंक यू सो मच।